हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 6 मार्च 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कई सारे कोर्सेज आते हैं हर एनसीईआरटी सब्जेक्ट और हर स्टैंडर्ड बुक के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वो है रीड देम द रायट एक्ट। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी रिलीकेशन ऑफ ड्यूटी इन द दिल्ली पुलिस शुड फेस एक्शन। दिल्ली में दंगे हुए और देखा गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है अपनी ड्यूटी का, कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया गया और दिल्ली पुलिस पे भी जो है कई हमले हुए। जैसे जैसे एज स्मोक थिंस आउट, धुआं छट रही है, फैक्ट्स इमर्ज, तथ्य सामने आ रहे हैं। द रोल ऑफ द दिल्ली पुलिस ड्यूरिंग द कम्युनल वायलेंस दैट ग्रिप्ड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी फ्रॉम फरवरी 24 टू 26 टर्न्स आउट टू बी डिस्टर्बिंग एंड चिलिंग। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रोल सामने आया, जो क्रिमिनल वॉयलेंस का माहौल बना, खासकर कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, काफ़ी डिस्टर्बिंग था और काफ़ी चिलिंग था। यहाँ पे चिलिंग का मतलब वो नहीं है कि चिल होना, चिल मतलब वहाँ पे काफ़ी ठंड में जैसे अपन वो हो जाता है ना, उस तरीके से जो है यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोलेंस के सर्कमस्टेंसेस क्या थे और ओरिजिन क्या थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट व्हाट इज़ ऑफ अटमोस्ट अर्जेंसी फॉर द रूल ऑफ लॉ इज़ द बिहेवियर ऑफ द पुलिस एंड अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट। ओरिजिन कहाँ से हुआ, हिंसा क्यों हुई, ये चीज़ें ज़रूरी है। इससे भी ज़रूरी बात ये है कि आखिर पुलिस ने उसको रोकने के लिए, पुलिस ही नहीं बल्कि अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट, पुलिस हो गई, आपकी जुडिशियरी हो गई, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, आपकी लेजिस्लेचर हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस तरीके से एटमोस अर्जेंसी अपनाई। भाई जुडिशियरी सुमोटो केस ले सकती थी, जुडिशियरी उसी दिन जो है FIR रजिस्टर करवाने के लिए कह सकती थी, उसी दिन जो है पुलिस को एक्शन करने के लिए कह सकती थी। और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, वो आके जायजा ले सकते थे, ऑर्डर दे सकते थे। लेकिन 4 दिन तक ये दंगे चले और खुलेआम जो है दंगाई घूमते रहे। द कैटलॉग ऑफ इन्फ्रैक्शंस बाय दिल्ली पुलिस, इन्फ्रैक्शंस मतलब लॉ को वॉयलेट करना, जो लॉ को वॉयलेट किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसका जो कैटलॉग मतलब लिस्ट, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही लॉ को वॉयलेट किया जा रहा है, ऐसा राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। और ये चीज़ें जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा निकल के आई है। ये कैटलॉग काफ़ी लंबी, काफ़ी डिटेल्ड है। एक केस में, एक वीडियो में यहाँ दिख रहा था कि 23 साल के मुस्लिम मैन थे, उनको जो है पुलिस के द्वारा पीटा गया और उनको नेशनल एंथम गाने के लिए बोला गया। 36 घंटे तक उनको इलीगली डिटेन किया गया, मेडिकल अटेंशन भी नहीं दी, और जब उनको छोड़ा गया तो उनकी जो बॉडी थी वो ब्लू हो गई थी और उनकी माँ कह रही थी कि वे मर गए उसके बाद। तो दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरवेंशन इस पर हुआ और कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि पुलिस टू गिव प्रोटेक्शन टू विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं जो इस घटना का शिकार हुए हैं, जो इस हादसे में इनको नुकसान पहुंचाए, उनको प्रोटेक्शन देगी पुलिस और उनको इनएडिक्वेट फैसिलिटी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाइए, थानों में, पुलिस स्टेशन में ना रखिए। जबकि किससे ये भी आए कि पुलिस वाले जो हैं और कई जो दंगाई हैं वो एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे थे, खाना भी नहीं पहुँचने दे रहे थे। तो यहाँ पर अटमोस्ट फेलर सामने आता है स्टेट का, और वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म में थे वो वॉयलेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके सामने जो है ब्रिक्स इकट्ठी की जा रही है, ईंटें पत्थर इकट्ठी की जा रही है, और खुद जो है सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं। तो ये सब इंसिडेंट्स, एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं किसी भी के इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, राइटर की भी यही नीयत है, वह केवल उन्होंने वीडियो देखा जो ये बोला, और बाकी इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। दिल्ली पुलिस पे भी कई मोब्स ने अटैक किया, दिल्ली पुलिस के हमारे जवान रतनलाल वे शहीद हो गए और पुलिस वालों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। एक पुलिस वाले ने जो है, जो भी सामने आता, एक दंगाई जब वो बंदूक ले रखा था उसके सामने आके सीना चौड़ा होके उन्होंने जो है बंदूक नग रखने के लिए बोला। तो काफ़ी बहादुरी, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वालों ने नहीं दिखाई, उन्होंने की है। और उनका जो रतनलाल, जो उनकी हेड कॉन्स्टेबल थे, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, कई पुलिस वालों को घायल भी होना पड़ा। तो लेकिन ये कारण नहीं है ना कि आप ऐसे कह दो कि हम दंगे को कंट्रोल नहीं कर सके क्योंकि पुलिस वालों पे अटैक हुआ था। भाई पुलिस किस लिए है, दंगाइयों से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर पुलिस वाले ही नहीं बचेंगे तो जनता कैसे बचेगी, जनता को कौन प्रोटेक्शन देगा।
और ग्लोबल स्पॉटलाइट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन, मतलब हर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे ग्लोबली इसके बारे में आ रही थी कि क्योंकि ट्रंप आए हुए थे और दिल्ली में दंगे हो गए, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, ना केवल एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई जो लीडर्स थे जिन्होंने वॉयलेंस शुरू करने की कोशिश की थी, और मॉब्स भी जो है वो दंगाई दिन में घूम रहे थे, पुलिस उनको रोक नहीं रही थी दंगे होने के बावजूद भी। हाँ, एक हर्ष मंदर नाम के सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम आप दिन ब दिन सुन रहे होंगे, उनको जो है पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी वीडियो जो है दिखा दी जिसमें कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि इन्होंने जो है भड़काने की कोशिश की है दंगाइयों को। हालांकि मैंने इनकी वीडियो देखी तो इनकी वीडियो में ये भी चीज़ें थी कि हम जो है हिंसा नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। हाँ, इन्होंने कहा था कि हम सड़कों पे उतर के फैसला लेंगे, जो एक तरीके से माना जा सकता है कि वॉयलेंस की इंसाइटमेंट, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोले कि लॉन्ग लाइव कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लाइव लव। तो ये चीज़ें जो इन पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट आज 6 मार्च जो है इस चीज़ पर सुनवाई होगी, तो आप ये देखिए क्या केस होता है। और फार फ्रॉम ट्रेकिंग दी ऑफिशियल्स टू टास्क एंड पिन पॉइंटिंग इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, हर एक इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी तय करने के बजाय, हर एक ऑफिशियल को टास्क देने के बजाय, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों चुप रहीं, दोनों या तो चुप रहीं या दंगाइयों के सपोर्ट में आ गई। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी शर्मनाक था और इसकी वजह से जो है वॉयलेंस बढ़ती गई, इम्बोल्डेंड दी वो मॉब जो है वो मजबूत होती गई, उनका साहस बढ़ता गया और पुलिस पार्टीशनशिप मतलब भेदभाव जो लो का जो जिस तरीके से इन्फ्रिंजमेंट हो रहा था वो पुलिस को जो है काफ़ी मदद मिली, कंडोन यानी बढ़ावा, तो पुलिस की जो पार्टनरशिप थी उसको बढ़ावा मिल गया इनकी चुप्पी की वजह से। अगर हैड देयर बीन टाइमली एंड इम्पार्शियल असर्शन ऑफ पोलिटिकल एंड जुडिशियल अथॉरिटी ओवर द पुलिस, अगर पुलिस पे सही तरीके से पोलिटिकल और जुडिशियल प्रेशर आता तो वो जो है दिल्ली को इस घटना में जाने ही नहीं देते, लेकिन ना जुडिशरी ने सही टाइम पे एक्ट किया और जो पॉलिटिकल प्रेशर भी इस इन पे इतना नहीं आया। वरना मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर थे वो कह रहे थे कि दंगे जो हैं इतने समय तक नहीं चलते, दंगे केवल 24 घंटे में शांत हो जाते हैं, अगर ज़्यादा देर तक चले तो उसका मतलब या तो पुलिस वाले जो हैं ढंग से काम नहीं कर रहे या फिर उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया है और उनको जो है अब पुलिस वालों का जो एक कर्तव्य होता है कि पॉलिटिकल ऊपर से ऑर्डर आए नहीं आए उनको हमेशा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होता है। भाई पुलिस ऊपर से ऑर्डर आए नहीं आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पुलिस वालों का मेन जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है पुलिस का क्या होता है कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिस वाले अगर ये कहते हैं कि हमको ऑर्डर नहीं था जो सच में ऐसा देखा गया कि ऐसा हुआ था तो एक गलत चीज़ है। तो अगर ढंग से जो दंगाई करने वाले हैं उनके खिलाफ काम होता और उनके खिलाफ भी होता जो अपनी ड्यूटी को ढंग से पूरा नहीं कर पाए, रतनलाल जो हमारे हेड कांस्टेबल थे उनसे पुलिस वालों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जान गंवा के दंगाइयों को रोकने की कोशिश की। तो इंडिया नीड्स एन अश्योरेंस दैट इट्स इन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडिया को एक भरोसा, आत्मविश्वास, अश्योरेंस चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इस देश के रूल ऑफ लॉ को अफोल्ड करेंगे चाहे किसी भी कीमत पे, एंड नॉट अलाउ देमसेल्व्स, और ख़ुद को कभी भी जो है पुलिस जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलने नहीं देंगे या उसके जो है इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, ऐसा भारत को जो है एश्योरेंस चाहिए। ये जो अगला आर्टिकल है बेसिकली मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो यहाँ पे इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है जो हम नहीं देखेंगे। चाइना हाईटेक बैटल अगेंस्ट कोविड 19, इस आर्टिकल में बहुत अलग चीज़ है, चाइना किस तरीके से कोविड 19 को सोल्व करने का प्रयास कर रहा है, वाकई में कहा जा सकता है कि इतनी स्पीड से आज तक कभी काम नहीं किया गया। वाइल द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद द रैपिड स्प्रेड ऑफ कोविड 19 जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से चाइना में तो फिर भी कम केसेस आ रहे हैं और बाहर इतने केसेस आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस 4 मार्च को अगर मैं देखूं तो अब तक जो है 6 वीक्स के अंदर सबसे कम नए इन्फेक्शन निकल के आए हैं और ह्यूबेई जो प्रोविंस है जो कि एपी सेंटर था इस डिसीज़ का उसके बाहर तो केवल 4 केसेस सामने आए हैं। तो इसका मतलब चाइना बहुत तेज़ी से एक्ट कर रहा है। चाइना किस तरीके से काम कर रहा है हम ये देख लेते हैं एक बार। चाइना देखो, हाँ बेसिकली सबसे पहले इसने जो है लॉकडाउन किया हुबेई का, जहाँ पे ये जो प्रोविंस है हुबेई जहाँ पे ये निकला, और हुबेई का शहर है वुहान।
तो चाइनीज सिस्टम की दो बातें निकल के आती है। पहला तो ये ऑथोरिटेरियन सिस्टम, ऑथोरिटी एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की है केवल, तो ये ऑथोरिटेरियन सिस्टम जो केवल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है और स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखता है चाहे किसी भी कीमत पे। इन्होंने क्या किया, हुबई को लॉकडाउन कर दिया, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। और ये करना बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचो अगर कोई हमारा राज्य हो, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर उसके साथ अगर ऐसा होता है पूरे राज्य को लॉकडाउन कर दिया जाए कि वहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा, करोड़ों लोगों को जो है लॉकडाउन कर दे, तो कितनी बड़ी बात है। तो चाइना ने किया क्योंकि चाइना का जो सिस्टम है ऑथोरिटेरियन है, चाइना प्रेशर इतना डाल सकता है, चाइना इतने कड़े मेजर ले सकता है, और इस सिस्टम की मदद से इसको टॉप डाउन रिस्पॉन्स करने में भी जो है काफ़ी मदद मिली। हालांकि इस आर्टिकल में काफ़ी तारीफ हो रही है चाइना की, आर्टिकल के लास्ट में आपको चाइना के सिस्टम की कमियां भी बताऊंगा जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। WHO कहा कि WHO ने कि चाइना का जो एक्शन है वो बेसिकली मोस्ट एम्बिशियस एगाइल एंड एग्रेसिव डिसीज कंटेनमेंट एफर्ट है पूरे इतिहास में, जो अब फायदे पहुंचा रहा है चाइना को। 6 करोड़ लोग जो हैं वह लॉकडाउन हो चुके हैं और बिल्कुल उनको जो है बिल्कुल अलग से क्वारंटाइन किया जा रहा है, मतलब अलग से उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, जिसकी वजह से बाहर नया इन्फेक्शन नहीं निकल के आया। जो भी कंट्रीज मास लॉकडाउन की है वो जानती है कि कितना खतरनाक है करना, पब्लिक नाराज़ हो जाती है, पब्लिक बाहर नहीं जा पाती क्योंकि जो छुट्टियां मनाने गया है वो छुट्टियां मनाता ही रह जाता है, उसको अंदर नहीं आने देता। तो चाइनीज़ मेजर्स हर कंट्री नहीं अपना सकती पार्टिकुलरली, लेकिन हमको इस चीज़ से सीखना चाहिए। एक जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है ब्रूस एलवार्ड, उन्होंने कहा था कि की लर्निंग यह है कि चाइना से स्पीड, द फास्टर यू कैन फाइंड द केसेस, आइसोलेट द केसेस एंड ट्रैक देयर क्लोज कॉन्टैक्ट्स, द मोर सक्सेसफुल यू आर गोइंग टू बी। जितना तेज़ी से आप केसेस को पता लगाएंगे, उनको आइसोलेट करेंगे और वो किन किन लोगों से मिले उनको भी पता लगाएंगे, उतना तेज़ी से ही आप इसका हल निकाल पाएंगे। और जो स्टेप्स ये हैं कि फ्री ट्रीटमेंट और टेस्टिंग हुई थी, क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? और पेशेंट्स के लिए दवाई 3 महीने के लिए दी थी, 1 महीने के लिए नहीं दी थी, यानी लॉन्ग टाइम पे जो है ये सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ जो चाइना को काफ़ी मदद की है, टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। COVID-19 ऐप जो ये बताता है लोगों को कि किन किन के साथ वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे थे और किन किन के साथ वो इन्फेक्शन में रहे थे। गवर्नमेंट का एक खुद का कॉन्टैक्ट डिटेक्टर प्लेटफॉर्म चल रहा है जो कि कंपनियों को अलाउ करता है कि वो ये देख सकते हैं कि उनके जो एम्प्लॉई हैं, जो उनके नौकरी करने वाले हैं, वो किन किन के साथ कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जैसे अपने यहाँ पे वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, वैसे वहाँ पे जो कंपनियाँ हैं वो डाटा शेयर कर रही है लोकेशन का गवर्नमेंट के साथ, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके। और एक शहर है वेंजाऊ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल के आए, क्योंकि वुहान जो एपिसेंटर था इस डिसीज़ का, काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट है एक शहर का दूसरे शहर से, तो वहाँ पे जो है देखा गया कि एक दुकान थी जिसमें 3000 लोग आए थे, तो कॉन्टैक्ट किया गया। पिंग एंड गुड डॉक्टर नाम का ऐप है, उसमें भी जो है 30 करोड़ लोग जो है डॉक्टर के साथ जुड़े हुए, उनमें भी नंबर बढ़ा, मतलब उस ऐप की जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ी। और अलीबाबा का अली पे ऐप जो है अपना हेल्थ QR कोड लाया है, जिसमें वो सिटीजन को कोड देता है कि भाई ग्रीन कोड मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, येलो मतलब आप क्वारंटाइन में 7 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और रेड कोड मतलब 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बेसिकली आपका रिस्क लेवल वो चेक करते हैं, क्वारंटाइन मतलब आइसोलेशन में आपको जो है रहना पड़ेगा। और ये ऐप जो है कई शहरों में आ चुका है, अब इस पे सवाल भी उठ रहे हैं कि रॉन्ग कोड कई बार ये दिखा देता है। और क्या किया चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए थे, अब वो जो है बीमारी से लड़ने में लगा रहा है। जैसे कि फेस प्लस प्लस जो है एक टेक्नोलॉजी थी, टूल है, जो कि भीड़ भरे इलाकों में हजारों लोगों के बीच में ये देख सकता है कि कितना जो है टेम्परेचर है और कितना जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बीजिंग के कुछ स्टेशंस पे लगाया गया है। 5G टेलीकॉम नेटवर्क भी यूज़ लिया जा रहा है ताकि डॉक्टर्स ओवरबर्डन ना हो। और सिटी स्कैन्स का भी जो है इस ऐप की मदद से इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल किया जा रहा है। बाइडो जो जैसे हमारा गूगल है ना, वैसे चाइना में बाइडो है, बाइडो सेंस टाइम जो है पुलिस को मदद कर रहे हैं ताकि वो देख सके कि कौन जो है मास्क नहीं पहन रहा।
और ड्रोन्स भी लगाए गए हैं जिसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ड्रोन में, जो याद दिला रहे हैं पब्लिक को बार बार कि एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे से दूर रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर छिड़को। टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम तरीकों में पॉपुलेशन को, अच्छा सॉरी, इन लेस डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट वेज नहीं, इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, स्ट्रेसेस से बाहर निकाल रही है, क्योंकि स्कूल तो बंद है लेकिन जो बच्चे हैं वो घर पे बैठ के वीडियो लर्निंग से पढ़ रहे हैं। मैंने वीडियो देखी थी कि बच्चा जो है घर पे पढ़ रहा है, घर पे एक्सरसाइज कर रहा है, और जैसे अपने प्रेयर होती है ना घर पे, सॉरी स्कूल में, वो घर पे प्रेयर कर रहा है, मतलब देख, मतलब जो पूरी जो नेशनल एंथम वाला जो होता है। फूड डिलीवरी एप्स वो भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो डिलीवरी, देखो इस टाइम पे सारे जो रिटेल आउटलेट्स हैं बंद होते हैं, खाना वाना मिलता नहीं, तो फूड डिलीवरी जो ऐप है जो उनके डिलीवरी मैन है वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं लोगों को, और हॉस्पिटल्स में जा जा के जो है काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हाँ, एक जो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ दिखेगी कि चाइना की इकोनॉमी जो है कुछ ना कुछ जो है गिरी है, कुछ बिजनेस लेकिन यहाँ पे बढ़ गए, जैसे कि वर्चुअल क्लासेस बढ़ गई, कुकिंग, फिटनेस, म्यूजिक यहाँ पे बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात जो मोस्ट पॉपुलर सेलिंग आइटम हुआ है वो है योगा मैट्स, योगा जो है उसका काफ़ी प्रचारित हो रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पे नज़र आ रही है, हालांकि है तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस, लेकिन क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी निकाल लेना एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी की बहुत बड़ा फीचर होता है। चाइना का ऑथेंटम सिस्टम की हमने बात की, इसमें हमने तारीफ करी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, चाइना जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। एक यहाँ पे कमी मैं आपको बता दूँ कि चाइना का जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें रिस्पॉन्स ऊपर से आता है। अब ऊपर से तो फिर भी प्रेशर से आ रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पे केसेस इतने सारे अब नहीं बढ़ रहे, लेकिन जितने बढ़े वो उतने भी नहीं आते अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता। तो केरला में आपको पता है निका वायरस आया था, निपा वायरस, जिसमें 19 लोगों की यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद तो वायरस आया ही नहीं, उसके बाद तो किसी को इन्फेक्शन लगा ही नहीं। केरला ने डिसेंट्रलाइज सिस्टम है हमारा, एक राज्य अपने दम पे स्वास्थ्य में काम कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी परमिशन को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में अपने रिसर्चर्स डॉक्टर्स भेजे थे, लेकिन तब तक केरला ने इस चीज़ को जो है रोक लिया था। और निपा फ्री, निपाता जीका था मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बता देना एक बार कन्फर्म करके कमेंट बॉक्स में। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का ये फायदा है, सेंट्रलाइज सिस्टम का ये फायदा है कि आप प्रेशर बहुत अच्छे से दे सकते हो, अथॉरिटीज़ जो है स्पीड के साथ एक्ट करेंगे, लेकिन ऊपर से स्पीड आएगी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में फ़ायदा है कि नीचे से स्पीड आएगी, और फायदेमंद जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम वाला ही है। एंड अनरेस्ट, ए स्लो डाउन एंड हेल्थ एपिडेमिक, तीन चीज़ें हमारे देश को असर कर रही है, अनरेस्ट, स्लो डाउन, हेल्थ। अनरेस्ट, दिल्ली दंगे, कम्युनल हारमनी नहीं है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान लोग लड़ रहे हैं आपस में, फेक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, अनरेस्ट, ये है अनरेस्ट। स्लो डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है, 7 साल में सबसे कम जो है हमारा GDP ग्रोथ है, और 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट कंजप्शन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ एपिडेमिक, कोरोना वायरस, दो शुरू की जो चीज़ें हैं वो हमारी कंट्रोल में है लेकिन तीसरी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तीनों लेकिन असर तो भारत को कर रही है। आर्टिकल लिखा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, और इनका जो आर्टिकल है वो इस बारे में ही है। हालांकि ये आर्टिकल जो है इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके कई बार आर्टिकल में, पहले आर्टिकल में, तो इन्होंने सॉल्यूशन जो बताए वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि COVID-19 जो थ्रीट है उसको क्या प्लान है हमारे प्रधानमंत्री का, क्या वो आगे करना चाहते हैं, और कितना तरीके से आगे जो है रिस्पॉन्स, मतलब कितने प्लान्स यहाँ पे लाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, ये रिलीज करने चाहिए। दूसरा, सिटीजनशिप एक्ट या फिर जो और भी जो कानून कायदे हैं जैसे कि NRC NPR, इनको जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए, ये मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि इससे टॉक्सिक सोशल क्लाइमेट बना है और अगर ऐसा कर लोगे आप तो इससे नेशनल यूनिटी जो है बढ़ेगी। तीसरा, फिस्कल स्टिमुलस प्लान लाया जाए कि जिससे कंजप्शन डिमांड बढ़े और इकोनॉमी रिवाइव हो। फिस्कल स्टिमुलस प्लान मतलब क्या होता है, फिस्कल मतलब क्या होता है, आप कितना जो है खर्चा आगे कर रहे हो, जितना आपका बजट है उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या उससे कम कर रहे हो। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% के आसपास रहे तो सही रहता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट अभी टूट रहा है, यानी जितना हमारा बजट है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं, और सरकार लेकिन इस चीज़ पे थोड़ी प्रतिबद्ध है कि खर्चा ज़्यादा नहीं हो, बजट से ज़्यादा खर्चा नहीं हो, नहीं हो, 3% तक यहाँ पे रख रखा है हमने, लेकिन उसके बावजूद भी खर्चा बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट टूटेगा। क्यों? क्योंकि देश में अभी कंजप्शन की ज़रूरत है, सरकार जब तक बजट से ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगी, जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगी। अब आप बोलोगे उतना पैसा कैसे लगाएगी, ज़्यादा जितना पैसा आ रहा है उतना ही तो लगाएगी, सरकार लोन ले सकती है, सरकार जो है और कुछ भी कर सकती है, कहीं से पैसा उठा सकती है,
तो कई चीज़ है, तो फिस्कल जो स्टिमुलस प्लान है वो लाया जाए। अच्छा, दूसरी जो पॉइंट है उसके बारे में मैं थोड़ी आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो टॉक्सिक जो सोशल क्लाइमेट हमारे देश में बन रहा है, जो आप इतनी फेक न्यूज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं और इतना जो यहाँ पे टॉक्सिक माहौल बन रहा है, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल हारमनी जो है होगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। अगर आप सोशल हारमनी नहीं है तो कभी भी स्लो डाउन से आप नहीं निकल सकते। देश में कभी भी जो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सही से नहीं बनेगा। इन्वेस्टर्स और जो बिजनेसमैन से वो डरेंगे कि वो कभी भी, जैसे दिल्ली में अगर दंगे हो रहे हैं तो दिल्ली के उस एरिया में लोग कोई भी नई दुकान खोलने से पहले जो छोटे छोटे, अब हमारे देश को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं क्या? नहीं, हमारे देश को मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज चलाती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME, शॉप्स, फैक्ट्रीज। अगर ये नहीं खुलेंगी दंगा प्रभावित इलाकों में या फिर ऐसी जगहों में जहाँ पे दंगे होने के चांसेस हैं, तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो सोशल हारमनी बनाए रखे, इसमें सरकार की ही ड्यूटी नहीं है, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। आप कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले, और मैंने कई देखा है, कितने स्टूडेंट देखे हैं जो फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं और इतनी जो है क्रिमिनल सोशल हारमनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देश में एकता बनाए रखें, फेक न्यूज़ शेयर ना करें और अपनी बात को पीसफुल तरीके से रखें ताकि देश में जो है एक सुख शांति का माहौल बनाए रहे। ये आर्टिकल है सेडिशन लॉ बी स्क्रैप्ड। सेडिशन लॉ इंडियन पेनल कोड 124A सेक्शन। बेसिकली देखो बात क्या हो रही है कि मैं आपको बताऊं, हमारा जो सेक्शन 124A है इंडियन पेनल कोड का, वो सेडिशन के बारे में बोलता है। सेडिशन का मतलब आप जो है स्टेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो, या कोई भी जो हमारे रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ अगर सवाल उठा रहे हो, या फिर आप ऐसा कुछ उसके लिख के बोल के ऐसे कोई प्रचार कर रहे हो दुष्प्रचार, जिसकी वजह से अगर हिंसा होती है, तो आपका सेडिशन का केस यहाँ माना जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि CAA जब से आया तब से देखा गया कि 194 केसेस जो हैं वो सेडिशन के केसेस फाइल हो गए हैं और इतने ज़्यादा केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर संजय हेगड़े जी का जवाब है कि सेडिशन लॉ का जो पॉइंट था, मतलब सेडिशन लॉ जो आया वो बेसिकली क्यों आया, वो अंग्रेजों के टाइम पे आया और इसलिए आया ताकि फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन को रोका जा सके, फ्री स्पीच और फ्री थॉट को रोका सके, क्योंकि सरकार जो है इन दोनों से खुश नहीं होती। भाई कोई भी आके सरकार के खिलाफ सवाल उठा देगा तो सरकार का तो यहाँ पे वोट बैंक गिर जाएगा ना। तो अंग्रेजों के टाइम पे आया था और अंग्रेजों के टाइम पे तो लोगों को वैसे ही जो है बोलना इतना आज़ादी नहीं थी, तो कोई भी जो क्रिटिक, कोई भी जो अपोजिशन या कोई भी जो क्रिटिज्म करने वाला व्यक्ति है उसको साइलेंस किया जाता था केवल इस डरा धमका के कि आप जो है सेडिशन केस आप पे लगा दिया जाएगा और आपको सजा मिल जाएगी। एक पे लगा दोगे सारे चुपचाप बैठ जाएंगे। गवर्नमेंट्स आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन कन्विक्शंस। अच्छा, ये चीज़ देखी गई कि जैसे 100 लोगों पे अगर केस चल रहा है तो 3 लोग ही कन्विक्ट हुए हैं। कन्विक्ट मतलब प्रूव कि हाँ वास्तव में इन्होंने सेडिशन वाला काम किया था या वास्तव में ये जो हैं अपराधी हैं। कन्विक्शन अगर 3% हो रहा है तो उसका मतलब 97% पे ज़बरदस्ती केस लगाया गया। तो गवर्नमेंट, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कन्विक्शंस में इंटरेस्टेड है ही नहीं, केवल केस सेडिशन केस लगा देगी। मैनी ऑफ द केसेस सेक्शंस आर ऑल्सो नॉट गिवन। सेक्शन मतलब किसी पे अगर सेडिशन का केस लग गया तो उसको पुलिस वाले गिरफ्तार भी नहीं करते, तो फिर सेडिशन केस लगाते क्यों हैं? ताकि यहाँ पे एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, मतलब कि एक का उदाहरण दे सके कि किसी एक पे अगर सेडिशन केस लगाया जाए तो 10 जने चुपचाप बैठ जाए कि देखो उस पे केस लगा दिया, तुम्हें भी लग जाएगा और सजा मिलेगी। एक बहुत यूज़फुल टूल है पुलिस वालों के हाथों में, क्योंकि वो जो है एक केस रजिस्टर कर सकते हैं। यूज़फुल की बात हो रही है, एक बहुत यूज़फुल टूल है लोकल लीडर के हाथों में या कोई लोकल जो नेता है उसके हाथों में, ताकि वो किसी पार्टिकुलर डिसेंटर को बंद कर सकता है, चुप करा सकता है, विरोधी को जो है चुप करा सकता है। अब क्या कर सकता है, मान लो कोई ऐसा भाषण दे रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो कोई भी लोकल नेता जो है पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करा सकता है और कह सकता है कि एक्शन लो, और वो कह सकता है कि देखो हम नेशनलिस्ट हैं, हम जो है राष्ट्रवादी हैं। जिसके ऊपर केस लगा वो सोचता रह जाता है कि आगे क्या होगा। तो बेसिकली जो चुपचाप यहाँ पे लोग बोलते हैं, फ्रीली स्पीक करते हैं, थिंक करते हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
और कोई भी सरकार यहाँ पे एक्चुअल प्रोसिक्यूशन नहीं करती। अगर प्रोसिक्यूशन करने पर उतर जाए सरकार तो जाने कितने ही लोग, हजारों लोगों को जो है यहाँ पे जेल में बंद होना पड़े। तो प्रोसिक्यूशन सरकार नहीं करती, केवल डरा धमका के रखती है ताकि कोई भी जो है गलत बात नहीं बोले, ताकि वोलेंस ना हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि काफ़ी जो है मिसयूज इसका हो रहा है। जो मोस्ट केसेस जो सेक्शन 194 ए के अंदर फाइल हुए हैं उनमें कन्विक्शन नहीं हो रहा, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। केदारनाथ सिंह का अगर सुप्रीम कोर्ट का केस आप पढ़ोगे, अगर आप उसको एक्चुअली अप्लाई करोगे तो यहाँ पे सेक्शन 124 एक गलत तरीके से लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हिंसा होनी चाहिए आपकी बातों से तब जाके आपको, या फिर अगर हिंसा होने वाली कोई आप ऐसी बात कह रहे हैं कि हिंसा होने के चांसेस हैं, तब जाके जो है सेक्शन 124 ए लगेगा। पर मोस्टली केसेस में देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। नंदिता राव जी यहाँ पे कह रही हैं ये सेक्शन अंग्रेज़ों के टाइम पे आया इंडियन पेनल कोड में आज़ादी से पहले, क्योंकि अंग्रेज़ जो चाहते थे कि वो किसी भी इंसान को चुप करके रख दे अगर कोई भी उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए तो। लेकिन आयरनी ये है कि भारत आज़ाद हुआ उसके बावजूद भी ये प्रोविजन यूज किया जा रहा है सिटीजन्स को डराने के लिए, बुली करने के लिए, धमकाने के लिए। एक केस सामने आया जहाँ पे एक बिदार में कर्नाटका में ये शायद बिदार, वहाँ पे एक पेरेंट और स्कूल में बच्चे ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, जिसमें वो CEA का क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो एक बच्चे की माँ को और उस प्रिंसिपल को जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, उन पर सेडिशन का केस लगा दिया गया है। और ये साबित करता है कि किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है छोटे बच्चों को और एक यंग वूमेन को टेररइज करने के लिए। तो जब स्टेट लोगों को कानून के तहत डराने लग जाता है तब जाके समस्याएं सामने आती हैं। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, एक तो जो पहले जो संजय जी हैं वो कह रहे हैं कि सेडिशन केस को हटा दो, नंदिता राव जी कह रही हैं जिसके बारे में हम जो ये अभी बात ये कह रही हैं कि इसको मत हटाओ, सुप्रीम कोर्ट को और एग्जीक्यूटिव को ढंग से काम करना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कह रही है कि इस केस को मत हटाओ और संजय जी क्यों कह रहे हैं कि इस लो को ही हटा दो, ऐसा क्यों? आगे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में सेक्शन 124 में कहा है कि इसको जो है कब यूज किया जाना चाहिए, जब स्टेट के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। मतलब आप BJP को क्रिटिसाइज कर लो, कांग्रेस को कर लो, आम आदमी पार्टी को कर लो, ममता बनर्जी को कर लो, कम्युनिस्ट पार्टीज को कर लो, सबको क्रिटिसाइज कर लो, ये सेडिशन नहीं है। लेकिन आप हमारे संविधान को, आप हमारे राष्ट्रपति को, अगर आप हमारे गवर्नमेंट, अगर हमारी जो स्टेट है उसको अगर आप क्रिटिसाइज करते हो, जो मशीनरी है उसको क्रिटिसाइज करते हो, तो ये सेडिशन माना जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को क्रिटिसाइज करोगे, सेडिशन का केस ये माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली कहा है कि यहाँ पे हिंसा नहीं, लेकिन अगर आपकी बातों से हिंसा होने के चांसेस हैं, मान लो आपने किसी दो आदमी को भड़का दिया और दो आदमी जाके यहाँ पे हिंसा कर आए आपकी बातों से, तो सेडिशन हो गया। सेडिशन बहुत स्पेसिफिक है, सीरियस ऑफेंस है, और इसको केवल उन लोगों को शांत कराना चाहिए जो कि एक स्टेट के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, डराना चाहिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये ऐसे बोल रहे हैं कि व्हेन इट यूज्ड टू साइलेंस एंड टेररइज द ऑर्डिनरी सिटीजन। अच्छा, जब किसी सिटीजन, कोई ऑर्डिनरी जो सिटीजन होता है, साधारण आदमी होता है, अगर उसको आप डराने के लिए, धमकाने के लिए अगर आप यूज करते हो, तो फिर ये एक आतंकवाद माना जाएगा स्टेट के खिलाफ, स्टेट के द्वारा ही एक आतंकवाद माना जाएगा। तो आई रियली थिंक नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसको इस केसेस की जाँच करनी चाहिए, और कमिश्नर जो पुलिस है उसको इसके लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। सेडिशन एक कॉलोनियल रिलिक है और हम सब एग्री करते हैं कि ये मिसयूज हो रहा है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न इनसे, तो इनको रिपील क्यों नहीं किया गया जब सरकार को लगता है कितना मिसयूज हो रहा है। सेडिशन एक कॉन्सेप्ट है जो इंग्लैंड से आया, वहाँ पे कोई भी राजा को क्रिटिसाइज करता तो उसको अपराध माना जाता था। अंग्रेज भारत में आए, भारत में भी जो है वहाँ भी रिवोल्यूशन आपने सुना होगा, लोग जो हैं इनके खिलाफ खड़े हो गए, तो सेडिशन कानून ये यहाँ भी ले आए। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी को इस लो के तहत जो है ट्राई किया गया था और इनको ट्रायल चला था, सेंटेंस किया गया था। जब हम आज़ाद हुए हमें लगा कि अब ये कानून चला जाएगा, सबने प्रॉमिस किया कि ये कानून चला जाएगा, सब सरकार ने किया, लेकिन किसी ने भी जो है इसको हटाया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर प्रशासन वाले को, हर सरकार को, हर रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि डिसेंट, विरोध सही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है, और यहाँ पे प्रशासन को हमेशा इसको कंट्रोल करके चलना चाहिए। अब हमको खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि कौन इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने वाला यहाँ पे कोई बड़ा अफसर नहीं होता, बड़ा कोई प्रशासनकारी नहीं होता, यहाँ पे जो
पुलिस थाना लेवल वाले जो अधिकारी होते हैं थाना लेवल के, वो भी चौकी जो होती है आपकी, वहीं से इनके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाते हैं। पहले जो है पुलिस वाले काफ़ी आज़ाद थे, अब इतने आज़ाद नहीं रहे। अब छोटे छोटे जो नेता होते हैं, लोकल जो लीडर होते हैं, वो पुलिस वालों को फोर्स करते हैं, डराते हैं कि आप केस रजिस्टर करो। और मैंने तो ये तक देखा है कि पुलिस वालों को प्रेशर देके केस रजिस्टर नहीं करो, कोई अगर उनके खिलाफ अगर कोई रूलिंग पार्टी है अगर उसके खिलाफ कोई काम होता है तो लोकल लीडर भी पुलिस वालों को धमका देता है कि केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे भी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो केस अगर रजिस्टर हो गया तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट डरा देगी उस आदमी को और लोग भी डर जाएंगे, तो चाहे फिर सेक्शन करे नहीं करे, गिरफ्तारी हो ना हो। तो यहाँ पे मीडिया बढ़ा, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है फिर भी इतनी गिरफ्तारी नहीं होती, वरना सरकार के खिलाफ जो सवाल उठ जाए। लेकिन एक सिचुएशन बन गई है कि जिससे जो है एक पनिशमेंट का यहाँ पे माहौल सामने आ रहा है कि अगर आप कुछ बोले तो आपको सेडिशन का केस लग जाएगा। कांग्रेस की पार्टी ने भी 2019 के जनरल इलेक्शन में प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो में कि सेडिशन का केस अगर हम हटा देंगे अगर हम आ गए तो। लेकिन राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने सीनियर कांग्रेस लीडर से सुना था कि ये कौन किसने इंक्लूड किया है, अगर ऐसा आप करोगे तो हमको एंटी नेशनल माना जाएगा। तो बेसिकली एक एवरेज वोटर जो है बदकिस्मती से सोचता है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो आप जो है यहाँ पे नेशन के अगेंस्ट हो, तो इस लोग को जो है हटा देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल अगर हम वास्तव में एक ट्रूली फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं तो। ये बात इन्होंने बोल दी, समझ में आ गया संजय जी ने, कानून हटा दो, लॉ रिपील कर दो, इसका एक अंश भी मत छोड़ो। नंदिता राव जी कह रही है नहीं, इस कानून को मत हटाओ, क्योंकि कानून हटा देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिनको ज़रूरत है काम करने की वो नहीं कर रहे भाई। जुडिशियरी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी कहा था कि पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है और ना ही प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे नंदिता राव जी कह रही हैं कि अब टाइम आ गया है कि जुडिशियरी हर राज्य में सर्च कमेटी बनाए और उसमें जो है एक पार्टिकुलर जज रखे हाई कोर्ट का, और वो ये देखे कि एक एक केस जो सेडिशन का हुआ है क्या वो वास्तव में है, क्या उसमें सही सबूत हैं, बेसलेस हैं या फालतू हैं, क्या ऑर्डिनरी सिटीजन को आम आदमी को डराने के लिए किया गया है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस कानून को क्वेश कर दिया जाए बिना किसी सिटीजन को कोर्ट में लाए, बिना किसी आदमी को कटघरे में लाए। और क्या ये सही है कि पुलिस टोटली पोलिटिसाइज हो रही है, पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में तब्दील हो रही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पे होता है। बात सही भी हो लेकिन बात तो यही निकल के आती है कि पुलिस वाले चाहे कितने भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस से जूझ रहे हो, जुडिशरी हमेशा अपना काम करती रहे। और जुडिशरी जो है यहाँ पे अब लीगल एड सिस्टम हमारा इतना रोबस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस कानून के साथ प्रॉब्लम नहीं है, इसके अब्यूज़ के साथ प्रॉब्लम है। नंदिता राव जी कह रही है कि भाई कानून ये लाया गया था, अगर मान लो इसकी इंटेंशन देखें तो वास्तव में जो आदमी सरकार के खिलाफ स्टेट के खिलाफ बोल रहा है और हिंसा हो रही है तो ये भी देश के खिलाफ है, और इसलिए सेडिशन लॉ की ज़रूरत है हमें, पूरा हटाने की जरूरत नहीं है। नंदिता राव जी कह रही है सेक्शन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है अब्यूज, मिसयूज, इंटेंशन, कैसे यूज किया जा रहा है इसको। और यहाँ पे संजय जी कह रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम सेक्शन के साथ ही है, मिसयूज तो हो ही रहा है लेकिन पूरे सेक्शन को हटाओ, ये उल्टी बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी अपने पॉइंट सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रायरेनी मतलब जब सरकार जो है अथॉरिटी बन जाती है, सरकार जो है अपने कानूनों को मिसयूज करने लग जाती है, तो ट्रायरेनी है कि जब कड़े कानून बन रहे हैं और कड़े कानून जो है वो उन लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत कम लोग ही हैं जो कन्विक्ट हो रहे हैं और बाकी जो लोग हैं केवल उन पर जबरदस्ती ये थोपा जा रहा है सेडिशन लॉ, और इस कानून को जो है आप हटा दो पूरा और कुछ स्पेसिफिक कानून ले आओ हेट स्पीच पे और कई जो है स्पीचेस पे ले आओ जिनकी वजह से हिंसा होती है, ताकि जो है एक ऑर्डिनरी जो डिसेंट है वो बना रहे और जो वास्तव में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है वो गिरफ्तार हो जाए। और कोई भी कानून है तो वहाँ पे मिसयूज होगा ही, संजय जी कह रहे हैं सेक्शन आप अगर नहीं हटाओगे इसका तो इसका मिसयूज होगा ही। नंदिता राव जी कह रही है कि सेक्शन मत हटाओ, इसका अब्यूज रोको। संजय जी कह रहे हैं सेक्शन रहेगा तो मिसयूज होगा। तो ये दो पॉइंट आप कैसे लिख सकते हैं मेंस में, आप सेडिशन को अगर सवाल आ जाए कि सेडिशन लो रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो आप इन दोनों के पॉइंट्स लिख सकते हैं कि रहना चाहिए फेवर में और अगेंस्ट में। तो फेवर में आपको जो संजय जी बता रहे हैं, नंदिता राव जी बता रहे हैं, और अगेंस्ट में कि रहना नहीं चाहिए, इसमें ये कह रहे हैं
कि कानून 100 सालों से हैं और अनुभव यही बताता है कि ये कभी काम नहीं आया, इसको अब्यूज किया गया तो ये काम आ गया है, या अब समय आ गया कि हम इसको जो है स्क्रैप कर दें और इसकी जगह कुछ और लाएं। नंदिता राव जी कह रही है कि एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि हेट स्पीच और सेडिशन अलग अलग है। हेट स्पीच मतलब है कि जब आप दो धर्मों के लोग, दो कम्युनिटी, दो जातियों के बीच में लड़ाई करवा रहे हो, आप स्टेट के खिलाफ अब्यूज कर रहे हो, वो सिटीजन है, वो सेडिशन है, ठीक है। आप जो है हेट स्पीच तब है जब आप लोगों के खिलाफ गुस्सा भड़का रहे हो, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ अगर चैलेंज कर रहे हो तो सेडिशन है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर कम्युनिटी के खिलाफ अगर आप वायलेंस कर रहे हो तो हेट स्पीच है। तो बेसिकली ये गलत चीज़ है कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को मिसयूज कर रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। नंदिता राव जी कह रही है कि प्रश्न ये है कि जुडिशरी के पास इतनी पावर है, वो सिटीजन को ये राइट क्यों नहीं दे पा रही, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का, क्यों सिटीजन लोग को इतना भारी बनाने की कोशिश कर रही है, क्यों जुडिशरी बीच में आके इतने केसेस को सोल्व नहीं कर रही, क्यों जुडिशरी आके सरकार को ये नहीं कह देती कि आप जो है इसका इतना मिसयूज नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रोविजन मिसयूज हो सकता है ऐसे तो। नंदिता राव जी कह रही है कि संजय जी ऐसे कह रहे हैं कि इसकी जगह कोई और कानून ला दो। नंदिता राव जी कह रही है कोई और कानून लाओगे तो उसका भी मिसयूज होएगा, भाई इसको रिमूव कर दो, कुछ और लाओगे उसका भी मिसयूज होएगा। तो जब तक जुडिशरी यहाँ पे नहीं आती तब तक मिसयूज ही होएगा, जब तक आर्टिकल 19 को हर कानून के ऊपर नहीं रखा जाएगा, आर्टिकल 21 को हर कानून के ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक यहाँ पे सिर्फ मिसयूज होएगा। तो नंदिता राव जी कह रही हैं कि केवल जुडिशरी को आना चाहिए, सेक्शन को मत हटाओ। संजय जी कह रहे हैं कि सेक्शन हटाओ, इसकी जगह कुछ और लाओ। दोनों के उपलक्ष्य में आपके पास पॉइंट्स मैंने इस आर्टिकल में दे दिए। आगे पढ़ते हैं कि क्या ये जो लॉ है ये जुडिशरी चेंज करेगी या पार्लियामेंट करेगी। चेंज तो करना पड़ेगा, तो रिपील करो, पूरा हटा दो या इसको चेंज करो, ये किसके ऊपर है। तो दोनों कर सकती है, दोनों के पास पावर है। लेकिन संजय जी कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम ये है कि इस लॉ को आगे नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है यहाँ पे कोई जो पार्लियामेंट है, हमारी जो सरकार है, वो कभी भी इसको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो एक टूल है जो विरोधियों को रोकने का। और लेकिन जुडिशरी को आना चाहिए, अपनी जजमेंट्स को देखना चाहिए जो हो चुकी, और ये देखना चाहिए कि समय के साथ इसकी ज़रूरत नहीं है। और पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अगर सेफगार्ड अगर हम देखें तो ये संवैधानिक नहीं है। अगर पॉलिटिशियंस इसको नहीं हटा दे तो जुडिशरी, जो कि अब आपको पता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो तो बेंच जो होती है उसमें 5 जज से ज़्यादा होते हैं, लार्जर देन 5 जजेस की बेंच बैठती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो तो। और प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 143, जहां तक मुझे याद है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 143 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस जो है किसी भी केस का वो सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं, और वो बेंच होगी 5 जज से ज़्यादा होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे अगर सवाल उठता है तो 5 जजों से ज़्यादा यहाँ पे बेंच बैठती है जुडिशरी की। और पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे नहीं, इसको हटाएंगे नहीं, तो जुडिशरी को यहाँ पे आना पड़ेगा और उस लॉ को स्ट्राइक डाउन करना चाहिएगा। लेकिन राइटर यहाँ पे कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं कि पता नहीं दोनों में से कौन सा होगा, पॉलिटिशियन करेंगे कि जुडिशरी करेगी। नंदिता राव जी कह रही है कि देखो जुडिशरी जो है हमेशा से प्रो एग्जीक्यूटिव ही रही है, ये अलग कह रही है उनसे। वो संजय जी जुडिशरी में विश्वास दिखा रहे थे, ये पार्लियामेंट में दिखा रही है, ये कह रही है कि जुडिशरी हमेशा प्रो एग्जीक्यूटिव ही रही है। पार्लियामेंट ने भी जो है पोटा को रिवोक किया था, पोटा जो है वो इस तरीके से एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, पार्लियामेंट ने इसको रिवोक किया था, और इन कानूनों को हमेशा जुडिशरी ने अपहेल्ड किया है। जैसे सेक्शन 124A, इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इसको डेफिनेशन दी है, कभी भी इसको रिपील नहीं किया, हटाया नहीं, अपहेल्ड ही किया है, कहा है कि कानून सही है। लेकिन अब जब हिंसा हो, जो मैंने आपको केस बताया था अभी ऊपर वाला जो अपने आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें कहा था कि हिंसा हो तभी इसका इस्तेमाल किया जाए, या फिर हिंसा होने के चांसेस हैं, ऐसे नहीं किया जाए। लेकिन कानून तो रहा ना, कानून हटा थोड़ी, कानून तो हटाने वाला पार्लियामेंट ही था जिसने पोटा जैसे एक्ट को हटाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था। तो पार्लियामेंट पे यहाँ पे नंदिता जी विश्वास कर रही हैं कि पार्लियामेंट्रियन ही है जो इसको हटा देंगे अगर पब्लिक से प्रेशर आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को पार्लियामेंट में कम ही विश्वास है, क्योंकि आज जो है पार्लियामेंट हमारी अथॉरिटेरियन हो चुकी है, जो हमारे संविधान पे रेस्पेक्ट नहीं करती। मैं खुद को करेक्ट करती हूँ, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को जो है रिस्पेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे दोनों जो है पार्लियामेंट के सरकार के क्रिटिकल हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए शुड दिस सेडिशन लॉ बी स्क्रैप्ड, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, फेवर में अगेंस्ट में इन दोनों के पॉइंट लिख देना, इससे बड़ी आर्टिकल आपको नहीं मिल सकता। गाइज, ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस।